फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक ठाक मजे में खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को बहुत सारी खुशियां दे, आमीन। तो आज आप मेरे किचन में देख रहे होंगे कुकिंग विद रायला में कि हर चीज मीठा मीठा सा नजर आ रहा है। तो आज क्या बन रहा है? तो आज आपके लिए है दूध दुलारी। ठीक है, आप दूध दुलारी के लिए किन किन इंग्रीडियंट्स की जरूरत है तो मैं आपको वो बता देती हूँ फटाफट से। तो एक कप हमें चाहिए वनीला कस्टर्ड, ठीक है, और इतने ही हमें चाहिए क्रीम, ये दो है, दो, एक रेड है, एक ग्रीन जेली पाउडर है, ठीक है। थोड़े से हमें चाहिए अखरोट, थोड़ी सी हमें चाहिए किशमिश, थोड़े से हमें चाहिए पिस्ता, थोड़े से हमें चॉकलेट चिप्स, थोड़े से हमें चाहिए है बादाम और थोड़े से काजू, ठीक है ना। जितना आप डालना चाहें, जितना आप लोग खा सकते हो। और मिक्स मिठाई चाहिए हमें, और एक कप, एक वो जो है ना चाहिए, एक कप हमें वो चाहिए, क्या कहते हैं, मिक्स फ्रूट्स चाहिए कॉकटेल, और एक कप हमें चाहिए चीनी, और थोड़ी सी हमें चाहिए कलर वाली सेवियां। तकरीबन हमारे पास है 3 किलो दूध, ठीक है ना। और खुशबू के लिए हमें चाहिए थोड़ा सा केवड़ा एसेंस। तो जल्दी से हम अपने शुरू करते हैं रेसिपी। तो गाइस अब आप देख रहे हैं मैंने 3 किलो दूध उबालने के लिए रख दिया है पहले से ही। तो जब ये उबाल इसमें आ जाएगा तो फिर हम बारी बारी जिन चीजों की हमें जरूरत होगी वो हम इसमें ऐड करते जाएंगे, तो साथ साथ हम आपको बताते भी जाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हमें उबाल आने का इंतजार करना होगा दूध में। तो आप फ्रेंड्स देख सकते हैं इसमें जो है एक अच्छा सा उबाल आ गया है, ठीक है ना। अब हम इसमें जाएंगे शुगर, गया शुगर, ठीक है। अब हम इसको अच्छे से चमचा चलाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारी शुगर भी इसमें हल हो चुकी है, ठीक है ना, अच्छे से। अब हम इसमें क्या डालेंगे, ये सेवियां, ये बाजार में आसानी से मिल जाती है, ठीक है ना, ये देखो। अब हम इसको चमचा मुसलसल थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे, वरना ऐसा ना हो ये सेवियां आपस में जुड़ जाए, ठीक है ना, क्योंकि ये फूलती हैं तो फिर वो चिपक जाती हैं आपस में। तो हमें इसको साथ साथ चमचा चलाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अब हमारी देखें सेवियां बिल्कुल रेडी है। अगर हमने इससे ज़्यादा इसको गलाया तो वो आपस में जुड़ जाएंगी, तो हमें इसको जोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब हम इसमें आस्ते आस्ते कस्टर्ड पाउडर ऐड करते जाएंगे। अच्छा, दूध दुलारी का जो दूध है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा पेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, नॉर्मल। अगर गाढ़ा हो गया ना तो फिर वो कस्टर्ड फॉर्म में आएगा। साथ साथ हमें चमचा भी चलाना है वरना इसका डले बन जाएंगे। हमें थोड़ा इसको पतला रखना है और इसे स्टेज पे हम थोड़ा सा जो ना गलने वाले फ्रूट्स है ना, ड्राई फ्रूट्स, वो डालेंगे हम इसमें जो सॉफ्ट रहते हैं, थोड़ा सा थिक। अभी ठंडा होके और थिक हो जाएगा और इसी में हम थोड़ा सा खुशबू ऐड कर देंगे केवड़ा एसेंस। तो गाइस आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस चेक करें, तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं, ये देखें, ये अब ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा और थिक होगा। तो अभी हम इसको ठंडा करेंगे, बाकी चीज़ें हम तब ऐड करेंगे जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा, वरना तो इसमें जेली भी मेल्ट हो जाएगी और बाकी जो चीज़ें हैं मिठाई वगैरह वो सब इसमें घुल जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के बाद इन सबको फिर ऐड करेंगे। तो गाइस अब ये देखें, अब हम इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देंगे क्योंकि अभी भी है हॉट, ठीक है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको ये ऐड कर दूँगी दिखा के। देखिए हमने क्रीम इसमें ऐड कर दी है, ठीक है ना, ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी भी देखें क्रीम थोड़ा सा कस्टर्ड अभी भी थोड़ा सा गर्म है, देखें थोड़ा सा पतला है, लेकिन मुझे एंड करना है तो इसलिए मैं आपको दिखा के एंड करना है, ठीक है। और फिर ये बारी बारी ये सारी तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे, ये देखें। तो आप देख सकते हैं
ये देखें बिल्कुल शादियों में ऐसे ही बनता है ना, देखें लबेशीरी, ये शादियों वाला जो अमूमन आप शादियों में खाते हैं, ये देखें इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होता है। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर मेरे पेज पे नए हैं तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह कल मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।